दोस्तों वेब सीरीज की दुनिया में कुछ ऐसे भी हिंदी सीरीज रिलीज किए गए हैं जो कि समाज की सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे हत्याकारियों को दिखाते हैं जिनके दिल में रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किलर क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे, जिसमें आप देखेंगे दुनिया के सबसे खूंखार हत्याकारियों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, क्राइम आजकल। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज के टोटल 3 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आपको नए नए क्राइम्स और नए नए स्टोरीज नजर आने वाली है और हर एक स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं अमेज़न मिनी टीवी पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.8। नंबर 9, द स्टोनमैन मर्डरर। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे किलर से जो कि कोलकाता में लोगों को मार रहा होता है सिर्फ एक पत्थर की मदद से, यानी कि फुटपाथ पे जो भी लोग सोए हुए रहते हैं उनका वो मर्डर कर दिया करता था। लेकिन असल में लास्ट तक पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं होइचोई ओरिजिनल पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 8, वाटर बॉटल। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां पर बहुत सारे बच्चों की अचानक से ही किडनैपिंग हो जाती है। लेकिन असल में इस किडनैपिंग के पीछे क्या कारण है और लास्ट तक ये किडनैपर पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है या फिर नहीं जाता है, यही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 ओरिजिनल पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.5। नंबर 7, इंडियन प्रेडिटर, मर्डर इन अ कोर्ट रूम। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे क्रिमिनल से जिसकी हत्या कोर्ट रूम में कर दी जाती है। लेकिन असल में उसकी हत्या कोर्ट रूम में क्यों की जाती है, इवन उसका पास्ट क्या होता है, ये सभी की सभी चीज़ें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 6, इंडियन प्रेडिटर, द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो कि लगभग 40 के ऊपर मर्डर कर चुका होता है और वो लोगों के मर्डर करने के बाद उनका दिमाग खा जाया करता था और असल में वो इस काम को किस तरह अंजाम देता था, इवन लास्ट तक पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है, यही सारी चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 5, द बुचर ऑफ दिल्ली। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड डॉक्यूमेंट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे किलर से जो कि लोगों को मारकर पुलिस स्टेशन के बाहर उनकी बॉडी छोड़कर चला जाया करता था। लेकिन असल में पुलिस से उसकी क्या दुश्मनी थी, इवन पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 4, रंगबाज। सीरीज के टोटल 3 सीजन रिलीज किए गए हैं। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। हर एक सीजन में आप एक गैंगस्टर के लाइफ को देख पाएंगे और वो गैंगस्टर बहुत ही ज्यादा खूंखार भी हुआ करता था और लास्ट तक इन सभी गैंगस्टर का किस तरह सफाया होता है ये भी इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर और से IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 3, ऑटो शंकर। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है ऑटो शंकर से जो कि एक सिंपल ऑटो ड्राइवर है, लेकिन ऑटो ड्राइविंग के पीछे वो बहुत सारे क्राइम्स को अंजाम देता है, इवन बहुत सारे हत्याओं को भी वो अंजाम देता है। लेकिन लास्ट तक पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज स्पेशली ऑटो शंकर के कंप्लीट बायोपिक को दिखाती है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। नंबर 2, जामतारा। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों इस सीरीज में आप किसी भी तरह के मर्डर तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन इस सीरीज में कुछ ऐसे क्राइम्स को दिखाने की कोशिश की गई है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस सीरीज में आप देख पाएंगे कि किस तरह इंडिया के सबसे बड़े साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता था, वो भी सिर्फ एक फोन कॉल की मदद से। सीरीज बेस्ड है थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे खाकी, द बिहार चैप्टर। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में चंदन महतो के कंप्लीट लाइफ को दिखाने की कोशिश करती है। चंदन महतो जो कि एक ऐसा क्रिमिनल था जो कि बिहार के एक छोटे से गांव के हर एक मेंबर को गोली मारकर हत्या कर देता है, लेकिन पुलिस उस तक किस तरह पहुंचती है ये भी इस सीरीज में देखने लायक है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।